नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो दोस्तों आज भी जो है आप सभी के लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग आईपीएल की अपडेट्स आ रही है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग क्रिकेट के आईपीएल के फैन हो भाई, सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बगल में आपको घंटी का बटन दिख जाएगा उसको भी याद से दबा दीजिए। शुरुआत करते भाई ऋतुराज गायकवाड़, भाई ये नाम याद रखिए, आने वाले टाइम में आप इस नाम को काफ़ी ज़्यादा सुनोगे। भाई गायकवाड़ ने कल शानदार सेंचुरी मारी, क्या लाजवाब पारी थी भाई, जिस तरीके से स्पिन को खेल रहे थे भाई। होता है ना, हर एक खिलाड़ी का फॉर्म आता है लेकिन वो एक मैच तो फ्लॉप होता ही है। भाई गायकवाड़ जो है कंसिस्टेंटली रन मार रहे हैं, जहाँ पे जो है गायकवाड़ के नाम पे भाई एक और रिकॉर्ड बन गया है कि गायकवाड़ ने जो है अपने आईपीएल के 18 इनिंग में जो है 50 जो आंकड़ा है उसको 7 बार पार किया, जो कि भाई रिकॉर्ड है, इतना अभी तक कोई भी नहीं कर पाया। अगर आपको याद होगा गायकवाड़ की जो स्टार्टिंग की 3 इनिंग्स थी भाई उसमें 0 आया था, तो भाई आने वाले टाइम में जो है गायकवाड़ इंडिया के लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन सेकेंड तरफ यंगस्टर जायसवाल, भाई जायसवाल ने भी क्या शानदार पारी खेली, मात्र 19 बॉल में जो है हाफ सेंचुरी मार दी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंडियन ओपनर्स खेल रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, चाहे हम बात कर ले अर्शदीप सिंह की या बात कर ले आवेश खान की, तो भाई ये आईपीएल जो काफ़ी मज़ा आ रहा है, जिस तरीके से भारतीय प्लेयर भाई उभर के आ रहे हैं, उनका टैलेंट बाहर आ रहा है, तो आने वाले टाइम में जो है कहीं ना कहीं ये कुल मिला के फ़ायदा हम इंडियंस को ही होने वाला है कि बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट जो है फिलहाल आईपीएल से बाहर आ रहे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको नहीं पता, तो भाई आईपीएल पे जो है महा ऑफर चल रहा है आईफोन्स का, आईपीएल पे जो है भाई लूट मची है आईफोन्स की। तो डेली का जो है आईपीएल पे फैंटेसी क्रिकेट में आईफोन का कॉन्टेस्ट होता है, आप लोग वहाँ पे जरूर खेलिए। साथ ही में जो है भाई आप लोग को बहुत सारे फैंटेसी ऐप ऐसा बोलते हैं कि आप लोग उनके वहाँ खेलिए बहुत सारा पैसा मिलेगा, भाई ये सच नहीं होता है। सिर्फ आईपीएल एक मात्र सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रियल में पैसा जीतने का मौका मिलता है, रियल में यहाँ पे आपकी अर्निंग्स होगी। तो अगर आपने अभी तक आईपीएल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक से अभी आईपीएल को डाउनलोड कीजिए, आज से खेलना स्टार्ट कीजिए। आपसे जो है ना भाई आपको एमपीएल पे बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है कि आप अपनी फैंटेसी की टीम कैसे बनाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है फैंटेसी के एक्सपर्ट दीप दास गुप्ता जो है आपको हर एक मैच से पहले करते हैं एनालिसिस प्रेडिक्शन, आप उनकी हेल्प लेके अपनी टीम बना सकते हो। तो आज के मैच के लिए जो है एमपीएल पे मेरी टीम ये रहने वाली है, आप लोग यहाँ साइड पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप लोग जो है चाहे तो अपनी खुद की टीम बना सकते हो। बात करते हैं आरसीबी की, आरसीबी को लेके 2 अपडेट्स आ रही है। पहली जो है चहल को लेके, भाई चहल ने जो है अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ये डाला है कि युजवेंद्र चहल को जो है आरसीबी के लिए नंबर 3 पे बल्लेबाजी करना है, जहां पे जो है केएस भरत बल्लेबाजी कर रहे हैं उस स्थान पे जो है युजवेंद्र चहल को आरसीबी के लिए नंबर 3 के स्थान पे खेलना है। हालांकि जो है सिर्फ एक मजाक के तौर पर था, इसको सीरियस मत लीजिए। वहीं जो है आज आरसीबी वर्सेस पंजाब का मैच है, अगर मान लीजिए आरसीबी की टीम आज पंजाब को हरा देगी तब आरसीबी की टीम जो है ऑफिशियली आईपीएल 2021 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। आरसीबी की टीम तीसरी ऐसी टीम हो जाएगी जो कि प्लेऑफ में क्वालिफाई की हो, दिल्ली चेन्नई और आरसीबी, अगर आरसीबी की टीम पंजाब को हरा पाती है तो। लेकिन आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ क्या, कि अभी तक लास्ट का जो 3 मैच हुआ है ना, लास्ट के 3 आईपीएल के मैचेस आरसीबी वर्सेस पंजाब, इन लास्ट के 3 मैच में जो है ना भाई आरसीबी के गेंदबाजों ने केएल राहुल को आउट नहीं कर पाए। तो क्या आज वक्त बदलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों बात करते हैं डोपिंग टेस्ट की, तो हमको पता है आईपीएल में जो है हर साल हमेशा जो नाडा है वो डोपिंग टेस्ट कराती है, लेकिन क्या आप सभी को पता है इस बार जो आईपीएल 2021 का फेज 2 यूएई में चल रहा है, यूएई में जो है ना भाई नाडा के ऑफिसर्स ने कोई भी डोपिंग टेस्ट के जो मतलब कि ऑफिसर्स है उनको नहीं भेजा है। इसका मतलब क्या है, आईपीएल फेज 2 में जो है कोई भी डोपिंग टेस्ट आईपीएल में चालू नहीं है। उससे बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की, तो आपको जो मैंने बताया था कि 10 अक्टूबर वो लास्ट डेट है जहां को जो है सुपर 12 की टीम अपने स्क्वाड में चेंजेस कर सकती है, लेकिन जो आईसीसी है अब इस डेट को भाई आगे बढ़ा दिए है। अभी जो है 16 अक्टूबर वो लास्ट तारीख है कि 16 अक्टूबर तक जो है जो कि टीम सुपर 12 में है वर्ल्ड कप के, वो अपने स्क्वाड में चेंजेस कर सकती है या मतलब किसी प्लेयर को ऐड कर सकती है, किसी को निकाल सकती है। 16 अक्टूबर वो लास्ट तारीख है। दोस्तों बात करते हैं आईपीएल के अगले मीडिया राइट्स की, तो हमको पता है 2018 से 2022 तक जो आईपीएल का मीडिया राइट्स था है वो स्टार के हाथ में, यानी कि जो स्टार इंडिया है, स्टार स्पोर्ट्स है, उसके पास राइट्स है। लेकिन अभी जो है 2023 से लेकर 2027 तक जो
अगले 5 साल का मीडिया राइट्स है भाई, वो किसके पास जाएगा, जिसको लेके जो है खबर आ रही है, सोनी या फिर जी, यानी कि जो सोनी नेटवर्क है, सोनी 6, सोनी 10.3, सोनी ESPN, जितने भी जो है सोनी का नेटवर्क है, वो या तो फिर जी, ये दोनों कंपनी जो है भाई बिडिंग करने वाली है कि हम लोग 2023 से लेकर 2027 तक जो है IPL का अगला मीडिया राइट्स खरीदना चाहते हैं। तो बहुत ही हाई चांस है कि जो सोनी का नेटवर्क है वो भाई अगला IPL का मीडिया राइट्स खरीद ले और हमको जो है स्टार स्पोर्ट्स से IPL शिफ्ट होके सोनी के नेटवर्क पर दिखाई दे सकता है, ऐसे भी काफ़ी हाई चांस है। दोस्तों एट दी एंड बात करते हैं क्रिस्टोफर हेनरी गेल की। भाई गेल IPL के जो बबल है उसको छोड़ दिए हैं, वर्ल्ड कप से पहले अपने मूड को ज़रा फ्रेश करना चाहते हैं और अभी जो है ऑफिशियल आ चुकी है अपडेट कि क्रिस गेल जो है ना T20 वर्ल्ड कप में भी जो है वेस्टइंडीज़ के लिए नंबर 3 पे ही खेलते हुए दिखेंगे। गेल ओपनिंग नहीं करेंगे वर्ल्ड कप में भी, जहाँ पे जो है एक ओपनर फिक्स है इवेन लुइस, सेकंड ओपनर जो है ये लोग ट्राई कर सकते हैं एंड्रे फ्लेचर को, तो ये लोग ओपनिंग कर सकते हैं और नंबर 3 पे जो है वेस्टइंडीज़ के लिए क्रिस्टोफर हेनरी गेल खेलने वाले हैं, ये बात कंफर्म हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट की। क्या आप सभी को पता है IPL के इतिहास में ऐसा कौन सा इंडियन ओपनर है जिन्होंने IPL की पहली गेंद में जो है बाउंड्री मारी हो सबसे ज़्यादा बार? वो है भाई रोहित शर्मा, जहाँ पे जो है रोहित शर्मा बतौर इंडियन ओपनर IPL में जो है पहली बॉल पे बाउंड्री टोटल 5 बार मारी है, जो कि सबसे हाईएस्ट है, इतना अभी तक कोई नहीं मार पाया। ये थी हमारी आज की न्यूज़, वीडियो और फैक्ट मैंने आप सभी को दे दी। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में IPL ऐप को डाउनलोड नहीं किया हो जल्दी जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक से अभी IPL ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज से खेलना स्टार्ट कर दीजिए।